अल्लाम नाजरीन मुनसिफ़ टी वी के प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है आज हमारे साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक फ़लाही साहब मौजूद है जो दारिशरैया दुबई इस्लामिक बैंक के सीनियर शरिया कंसल्टेंट है सलामैकम वरमकू सबसे पहले मैं आ, दिली तौर पर जनाब ख़ान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा ही काबिल क़दर और अजीम कारनामा मुनसिफ़ टी वी की शक्ल में अंजाम दिया है जो गालिबा हिंदुस्तान में सबसे पहला उर्दू न्यूज़ चैनल है अगरचे दूसरे बहुत सारे उर्दू के चैनल्स हैं बहुत सारे मुस्लिम रिलीजस या दीनी चैनल्स मौजूद हैं हिंदुस्तान में भी हैं और दीगर ममालिक में भी हैं लेकिन अपनी नौीय का ये पहला उर्दू चैनल है जो सिर्फ़ बतौर ख़ास न्यूज़ और उससे मुतल मौजूद पर अपनी खिदमत अंजाम देगा मैं दोबारा दिली तौर पर और बड़ी ही मसरत महसूस करता हूँ इस प्रोग्राम में शर्क होते हुए भी और मुबारकबाद देते हुए भी जनाब ख़ान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान साहब को जनाब हैदर रज़ादिल साहब को जो इस न्यूज़ चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं और उसके साथ आपको और आपकी सारी टीम को और सारे लोग जो इस मुबारक चैनल से वस्ता हैं शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे नाजरन के कई सवाल है एक्चुअली बट आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें हमारी नाजरन के साथ पहला सवाल तो ये है कि इस्लामिक बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है मतलब एक आम जैसे कि कन्वेंशनल बैंकिंग इतनी फेमस है तो ज़रा चूँकि अपन हम जो है हिंदुस्तान में इंडिया में और कई नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में कन्वेंशनल बैंकिंग जो सबसे आ, जो फेमस है तो आप थोड़ी सी रोशनी डालें इस्लामिक फाइनेंस। जब भी हम इस्लामिक बैंकिंग का जिक्र करते हैं उस पर गुफ्तु करते हैं तो लाजमी तौर पर सबसे पहले यही सवाल लोगों के जहन में आता है कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है तो अगर बहुत मख्तसर तौर पर मैं उसकी तारीफ करूं तो ये वो बैंकिंग है जो इस्लामी शरीय की रोशनी में अंजाम दी जाती है लेकिन इसको किसी कदर तफसी के साथ बताना पड़ेगा दरअसल बैंकिंग का मतलब ये होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स कुछ सरमायादार लोग अपने सरमाए को जमा करते हैं और उसके बाद वो अपने इस सरमाए को सूदी लेन-देन के लिए इस्तेमाल करते हैं यानि वो अपने सबसे पहले कुछ शेयर होल्डर्स अपने सरमाए को जमा करते हैं मिसाल के तौर पर दस लोग हैं हर एक के पास मिसाल के तौर पर एक करोड़ रुपए हैं तो सारे लोग अपना सरमा जमा करेंगे जो दस करोड़ की शक्ल में जमा हो जाएगा और ये उस बैंक का जो एक आम सूदी बैंक है कैपिटल होगा तो वो इस कैपिटल के ज़रिए अपने बैंक के काम का आगाज़ इस तरह करेंगे कि अपने बैंक को इस्टेबलिश करेंगे फॉर्म करेंगे मुख्तलफ़ काम करने वाले लोगों को वो हायर करेंगे मुतिन करेंगे उसके साथ वो लोगों से कहेंगे कि आप अपने डिपॉज़िट्स हमारे पास जमा कीजिए तो इन डिपॉज़िट्स में उनकी शर्त ये होगी उमूमन सिवाय कुछ ऐसे अकाउंट के जो करेंट अकाउंट कहलाते हैं जिनमें डिपॉज़िट जमा करने वाले पैसे बैंक में जमा करने वाले अपने पैसे पर कोई और इजाफे पैसा नहीं लेते उनके अलावा दीगर जो अकसाम के अकाउंट्स हैं हिसाबात हैं तो उनको वो ये कहते हैं कि आप हमारे पास पैसे जमा करें हम आपको इतनी शरह पर इतनी परसेंटेज पर मिसाल के तौर पर आठ परसेंट या दस परसेंट पर इंटरेस्ट देंगे तो इस तरह वो शेयर होल्डर के पैसे और इस तरह के डिपॉजिटर्स के पैसे को तो मिलाते हैं और मिलाने के बाद मुख्तलि लोगों को कंपनीज को हुकूमतों को और आ, लोगों को आम लोगों को इनफरादन यानी फ़र्द फर्द को एक एक शख्स को वो लोगों की हजब ज़रूरत मुख्तलफ नामों से मुख्तलफ़ प्रोडक्ट्स के नाम से आ, वो सूद पर पैसे देते हैं और उनसे सूद लेते हैं तो होता ये है कि आ, अगर डिपॉजिटर्स से एक सूदी बैंक आठ फ़ीसद की शरह से सूद पर पैसे लेता है तो वो अपने कस्टमर्स को दस फीसद या ग्यारह फीसद या बारह फ़ीसद या तेरह फ़ीसद की शरह पर शरह सूद पर पैसे देता है होता जी। तो जो आठ फ़ीसद और बारह फ़ीसद के दरमियान का जो फ़र्क है वो बैंक के अपने अखराज को निकालने के बाद शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है जी। लेकिन जब हम इस्लामिक बैंक कहते हैं तो इस्लामिक बैंक में होता यह है कि जो कुछ शेयर होल्डर जमा होते हैं वो इस नीत के साथ जमा होते हैं कि हमें अपने पैसे को हलाल तरीके से इन्वेस्ट करना है लगाना है हलाल तरीके से हमें बैंकिंग का काम करना है तो वो क्या करते हैं अपने इसी एक दूसरी मिसाल ले लें दस शेयर होल्डर जमा होते हैं हर एक शेयर होल्डर एक करोड़ रुपये जमा करता है तो दस करोड़ रुपये जमा हो गए जो शेयर कैपिटल है और इस्लामिक बैंक उस दस करोड़ से अपना मुख्तलिफार डिपार्टमेंट्स को इस्टबलिश करता है लोगों को एम्प्लॉम एम्प्लॉय इं, करता है और उसके बाद वो लोगों से डिपॉज़िट्स लेता है यहाँ पर एक फ़र्क जो बहुत वाजह तौर पर हमारे सामने रहना चाहिए वो ये यह है यहाँ इस्लामिक बैंक लोगों से ये नहीं कहता कि आप हमारे पास पैसे जमा करिए हम आपको लाजिमा हर हाल में आठ फ़ीसद मुनाफ़ा देंगे क्यों इसलिए कि बैंक पैसे लेता है और शरीयत का असूल यह है शरीयत की तालीम यह है कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो उन पैसों के मुकाबले में जब हम ज़्यादा पैसे देते हैं तो वो जो ज़्यादा है वो जो इजाफा है वो सूद है और वो हराम है, है तो इस्लामिक बैंक ये कहता है कि आप अपने पैसे हमारे यहाँ जमा करवाइए लेकिन नफ़ा और नुकसान की हिस्सेदारी के तौर पर और इसको इसकी जो शक्ल होगी जिसको आम तौर पर इस्लामी बैंक इस वक्त दुनिया में इख्तियार करते हैं वो है मुजारबा मुज़ारबत हाँ और इंग्लिश में हम इसे फंड मैनेजमेंट कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि बैंक ये कहता है शेयर होल्डर्स ये कहते हैं कि आप अपने पैसे हमारे यहाँ रखें हम इन पैसों को इस्लामी तरीके से इन्वेस्ट करते, इन्वेस करते हैं तो आपके पैसे पर जो प्रॉफिट आएगा उसे हम और आप शेयर करेंगे और इसको शेयर करेंगे पचास फीसद पचास फीसद साठ फीसद चालीस फीसद सत्तर फ़ीसद तीस फ़ीसद की ना जो भी अग्री नस्बत है मुकर जो जो भी मुतफ़ नस्बत है उस नस्बत से हम प्रॉफिट को शरीक करेंगे लेकिन अगर नुकसान होगा तो हमारी मेहनत का नुकसान होगा और आपके पैसे का नुकसान होगा तो इसको मुजारबत कहते हैं तो इस बुनियाद पर पैसे लिए जाते हैं जो हलाल तरीक़ा है और इस्लामी फ़िका के मुस्ंद इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये साबित है कि आपने इस तरीके से तिजारत को अंजाम दिया है और साहब कराम रूसा अनूम ने भी इस तरीक़े को इख्तियार किया है जहाँ पर एक शख्स के पैसे होते थे दूसरा शख्स उन पैसों को लेकर मेहनत करता था और जो कुछ मुनाफा आता था उस मुनाफे को दोनों पहले से मुतन नस्बत जो होती उस नस्बत के साथ शेयर कर लेते थे और अगर नुकसान हो जाता है तो नुकसान सिर्फ जिसका पैसा है पैसे का नुकसान जिसने पैसा दिया है वो बर्दाश्त करेगा लेकिन एक शर्त होगी कि अगर जो फ़ंड मैनेज कर रहा है जिसको मुजारिब कहते हैं जो पैसे लेकर इन्वेस्ट कर रहा है अगर उसने कोई आ, गलती की है अगर उसने गलत फ़ैसले लिए हैं अगर उसने कोई आ, आ, कोई ऐसा काम किया है जो उसकी कोताह नजरी कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सिलसिले में इग्नोरेंस डिफ़ॉल्टगलीजेंसिजेंस तो इस तरह की कोई गलतियाँ उसने की तो उस सूरत में पैसे के नुकसान का जिम्मेदार मैनेजर ही होगा मुजारि ही होगा तो इस उसूल पर इस्लामी बैंक भी डिपॉज़िटर्स के पैसे लेता है अब आप आ जाएं कि अब ये शेयर होल्डर्स के पैसे और डिपॉजिटर्स के पैसे इन पैसों को लेकर इस्लामी बैंक मुख्तलफ़ कंपनीज हुकूमतें और अफराद को इस्लामी तरीक़े से फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है यानी उनको फाइनेंसिंग देता है यानी वो कैसे करता है उसके लिए मुख्तलिफ ऐसे तरीक़े हैं जो हमारी शरीयत ने बताए हैं जिसमें एक तरीक़ा ख़ुद ये मुजारबा का है दूसरा तरीक़ा एक है पार्टनरशिप का जिसको मुशारका कहते हैं मुशारकत कहते हैं जी जी। हिस्सेदारी साझेदारी और फिर एक तरीक़ा होता है जिसको इजारा यानी लीजिंग कहते हैं फिर एक तरीक़ा होता है मुराबा जिसके कहते हैं कि आपने ख़रीदी कोई चीज़ और अपना प्रॉफिट मिलाकर किसी को बेचा आ, वो जो और तिजारत जो आम तौर पर, पर जो मुराबा कार की फैनन्सिंग के लिए उमूा इख्तियार जाता है और दीगर भी मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके को उसके साथ साथ अगर किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना हो बनाना हो जैसे बिल्डिंग हो या कोई एक्वमेंट हो तो उसके लिए इसना के तरीके को इख्तियार किया जाता है और उसके साथ साथ मिसाल के तौर पर सलम का तरीक़ा होता है जो मुख्तलिफ तरह की लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है तो ऐसे तरीके हैं जिस जो तो इस्लामी शरीयत में इस्लामी शर्ी किताबों में फिकह की किताबों में मुख्तलि फुकहा और जिसमें फिकह फिकह फ़िकली फिकह मालिकी फिकह शाफ़ी और ये मुस्ंद जो इस्लामी फ़िका के जो उलमा रहे हैं गुजरे उनकी किताबों में हमें मिलते हैं तो उनसे इस्तेमाल करते हैं और मख्तलिफ नए जो मसाइल पेश आते हैं जो नए नए चैलेंजेस पेश आते हैं मीशत के मैदान में बैंकिंग के मैदान में उनसे से करके वो वो शरीय की रोशनी में हल बताते हैं तो इन, हल, इन इन, इन, इन सोलूशन सौल, को इन हलों को अख्तियार करके इस्लामी बैंक अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को और डिपॉजिटर्स के पैसों को ए, ए, इन्वेस्ट करता है जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स और फिर जो डिपॉज़िटर्स हैं वो शेयर करते हैं तो है। इस तरह हम देखते हैं कि इस्लामी जो बैंकिंग है वो मुकम्मल तौर पर शरीयत के उन असूल और उन मबादी या उन फंडामेंटल्स की बुनियाद पर चलता है ये इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम जो हमारी इस्लामी शरीयत की तालीमत में मौजूद हैं और इसको यकीनी बनाने के लिए कि कोई ऐसा ना हो कि कुछ लोग इस्लाम के नाम का करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग के नाम का करने के लिए आ, कहें कि कह हम इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं और हकीकाता वो इस्लामिक बैंकिंग न हो तो इस चीज़ के तदारक के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इस्लामिक बैंकिंग फिलवाई इस्लामी असूलों की रोशनी में हो रही है ये एक जिस मुल्क में भी इस्लामी बैंकिंग को अप्रूव किया जाता है वहाँ का मरकजी बैंक इस्लामी या वहाँ का कानून इस्लामी बैंक को अलाउ करता है इजाजत देता है करने की वो ये शर्त भी लगाता है कि हर बैंक का इस्लामी बैंक का एक शरिया बोर्ड होना चाहिए उस शरिया बोर्ड में ऐसे उलमा होने चाहिए जो अपने मैदान के माहिर हों में भी मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं कुछ ऐसे हैं जो इस्लाम के ऐसे इस्लामी तलीमत के उनके माहरीन होते हैं जिनको निकाल के तौर पर इबादत कहते हैं तो के अंदर भी मुख्तलिफ अख्तसास होते हैं तो यहाँ ये रिक्वायरमेंट होता है कि ऐसे जिनकी माशी मामलात में डे टू डे अफेयर्स में बहुत ही गहरी बसीरत हो इस्लामी फिका की फ़िकी बसीरत के साथ साथ तो इस तरह के का एक बोर्ड होना चाहिए एक इस्लामिक बैंक के लिए या इस्लामी फाइनेसिंग कंपनी हो उसके लिए भी और वह बोर्ड हर मामले की इस, उस इस्लामी बैंक के हर मामले की तनकी करेगा यानी उसकी छा छ हाँ उसकी एवालशन करेगा जी, जी, जी। उसकी जांच करेगा उसको देखेगा और हर मामला उस बोर्ड को सबमिट किया जाएगा उसको पेश किया जाएगा अच्छा। कि हम हमारे पास फ़ला कस्टमर आया है हमारे पास वो कंपनी आई है इसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है उसके बिज़नेस के मामल के लिए ये इस कंपनी का बिज़नेस है तो आप हमें बताएँ कि हम कैसे इस कंपनी को इस्लामी तरीके से फाइनेसिंग दें तो शरिया बोर्ड के जो होते हैं या उनमा के साथ काम करने वाले जो माहरीन होते हैं वो बहुत तफस के साथ उस प्रपोज़ल की उस तरह के मामलों की एनालिस करते हैं तज्जिया करते हैं और फिर शरीय के की हिदायत की रोशनी में शरी हल पेश किया जाता है और इस्लामी बैंक के जो इस्टाफ होता है वो उसको नाफिस करते हैं जी। तो जी। इस तरह इस्लामिक बैंक की तारीफ के जैल में मैंने जो इतनी तफसीली बात बताई वो इसलिए बताई ताकि आप और फिर जो हमारे नाज्रीन हैं वो इस बात को जाने के हकीीक़ता इस्लामी बैंक में और एक गैर इस्लामी बैंक में बहुत ही नुमाया फ़र्क़ होता है बज़ाहिर हो सकता है कि एक आदमी को लगे कि इस्लामिक बैंकिंग और गैर इस्लामी बैंकिंग दोनों दोनों तो एक ही जैसे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि माहरमा बड़ी अरक्रेज़ी के साथ इस्लामिक बैंक आ, के सारे मामलों पर काम कर रहे होते हैं और वो इस्लामी शरीत की रोशनी में उनकी 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 रहनुमाई कर रहे होते हैं और उनके मामलों का जायज़ा भी ले रहे होते हैं तो इस तरह इस्लामिक बैंकिंग का एक ऐसा निज़ाम है जो इस्लामी शरीत की रोशनी में चल रहा है माशा बहुत बहुत शुक्रिया जो तफसील से आप इस्लामिक बैंकिंग को डिफ़ाइन किए हैं बड़ी बड़ा हेल्पफुल है हमारी नाजरन के लिए हम सब के लिए भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा नाजरीन एक छोटे से ब्रेक के बाद